मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि शुड बी एबल टू क्या है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां कहते हैं आपके अंदर कोई काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर कोई हुनर होनी चाहिए, या आपको ये चीज आनी चाहिए, जैसे आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, आपको पैसा बचाना आना चाहिए, आपको खाना पकाना आना चाहिए, यानी आपके अंदर खाना पकाने वाली काबिलियत होनी चाहिए या आपके अंदर खाना पकाने वाली हुनर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहें किसी इंसान के अंदर कोई काबिलियत होनी चाहिए, कोई हुनर होनी चाहिए या कोई चीज करना आना चाहिए को बोलने के लिए आप कहेंगे शुड बी एबल टू। कैसे? आइए इन सभी बातों को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। यानी इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद कहेंगे शुड बी एबल टू, उसके बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको पैसा बचाना आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू सेव मनी। आपको खाना पकाना आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू कुक फूड। आपको लिखना आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू राइट। आपको ट्रांसलेट करना आना चाहिए, यू शुड बी एबल टू ट्रांसलेट। आपको सही तरीके से बात करना आना चाहिए तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड बी एबल टू टॉक प्रॉपरली। यानी आपको ठीक तरीके से बात करना आना चाहिए या आपके अंदर ठीक से बात करने वाली हुनर या काबिलियत होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया कि जब आपको कहना हो कि आपको यह चीज आना चाहिए, यानी आपके अंदर ये हुनर होना चाहिए या यह काबिलियत होना चाहिए को बोलने के लिए आप शुड बी एबल टू का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। यहाँ मैं बता दूं ऐसे सैकड़ों टॉपिक्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जहाँ आपको कम्प्लीट ग्रामर के साथ स्पोकन के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट करने में काफी मददगार होंगी, और मैंने इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।